आज शुक्रवार का दिन है। आज के दिन फैंस को हमेशा नई और अच्छी फिल्मों का इंतजार रहता है। आज बॉक्स ऑफिस पर 2 से 3 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं। आपको थिएटर में चल रही फिल्म फुकरे 3 जवान मिशन रानीगंज के कलेक्शन का हाल बताने जा रहे हैं। फुकरे 3 तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, वहीं जवान और मिशन रानीगंज की रफ्तार अब थमती नजर आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि गुरुवार को इन फिल्मों ने टिकट खिड़की पर कितने का बिजनेस किया। फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़िया परफॉर्म कर रही है। ये साल 2013 और साल 2017 में आई फुकरे और फुकरे रिटर्न्स का अगला पार्ट है। फुकरे 3 में हनी, चूचा, लाली और पंडित की एक्टिंग बहुत पसंद आ रही है। इस बार फिल्म में मामला पॉलिटिकल हो रहा है। भोली पंजाबन चुनाव लड़ने के लिए उतरी है, वहीं उसके ऑपोजिट में चूचा चुनाव के लिए खड़ा है। सभी की कॉमेडी लोगों को पसंद आ रही है। कलेक्शन की बात करें तो 15वें दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ का कारोबार किया। इस फिल्म का कुल कलेक्शन 81 करोड़ 24 लाख रुपए हो गया है। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार ओ माय गॉड 2 लेकर आए थे, इसे लोगों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद अक्षय कुमार मिशन रानीगंज लेकर आए हैं। फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन व्यूअर्स बड़ी तादाद में इसे देखने नहीं पहुंच रहे। गुरुवार को मिशन रानीगंज ने 1 करोड़ 30 लाख का बिजनेस किया। मिशन रानीगंज का कुल बिजनेस 18 करोड़ 25 लाख का है। शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म में विजय सेतुपति, नयनतारा, दीपिका पादुकोण, सानिया मल्होत्रा, संजय दत्त जैसे कई कलाकार हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान पिता और बेटे दोनों की भूमिका में नजर आए हैं। पठान के बाद शाहरुख खान की फिल्म जवान भी लोगों को पसंद आई। इस फिल्म ने गुरुवार को महज 80 लाख का बिजनेस किया। जवान का कुल कारोबार 627 करोड़ 42 लाख रुपए हो गया है। पहली बात तो साफ हो गई है कि जवान का जादू काफी ज्यादा सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में जितने भी मूवीज लाइन में हैं, सबका किरदार फीका नजर आ रहा है, चाहे फिर वो मिशन रानीगंज हो या फिर कोई और मूवी हो। ब्लॉकबस्टर पर टिक पाना सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो रहा है। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।